मैं चेतराम वनवासी महादलित अधिकार न्यास का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का हम लोगों ने फूका है, इसलिए फूका है कि राम वंश का ये जो हम लोग सबरी वंश का है, जो रामचरितमानस में सबरी माता का इतना बड़ा व्याख्या रामचरित गोस्वामी तुलसीदास ने किया है और इतने दिनों से इनका वचन सही था, ढोल गंवार पशु तालन के अधिकारी ये जो शब्द है इस पर उन्होंने व्याख्या किया है, शूद्रों का व्याख्या किया है, लेकिन ये गलत है। इतने दिनों के बाद मैं पूछना चाहता हूँ हर विद्वानों से कि इतने दिनों के बाद रामचरितमानस सही था, अब ये 2024 का चुनाव आया तो गलत हो गया? ये नहीं है, ये केवल चुनाव को देख करके ये अपने आप में छोट दलित और पिछड़ों को बंटवारा कर स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनी और ये दलित का बेटा जो है कि आज कोई जानता है तो ब्राह्मण एक विद्वान है, अगर हम सूत्र मान करके पैर मान करके यदि ब्राह्मणों ने अलगा दिया तो ये कोई गलत बात नहीं किया, सूत्र का जगह है, आज ब्राह्मण भी उस सूत्र का पैर छूता है, अगर ब्राह्मण बिरादरी में अगर वो अपने रिश्तेदार का पैर न छूता हो तो बता दीजिए आप लोग। भाई देखिए आप लोग इतने दिन से हैं, उनकी आयु कम से कम 40 तक है, आज तक किसके पहले कि इतना बड़ा गलत था ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास का तो किसी ने टिप्पणी किया है आप बता दीजिए। क्या कर रहे हैं समर्थन की सही है, वो तो कह रहे हैं चौपाई है तो वो गलत नहीं है सही है, आप लोग का उनका कहना है कि ताड़न किसी को मारा जाए, ताड़न का नहीं, अभी देहात में आप जाएंगे तो एक पति अगर पति अपने पत्नी को समझाने का काम करेगा तो उसकी पत्नी एक दूसरे से शिकायत करती है हमारा पति हमको ताड़ना देते हैं, एक शब्द है और किसी को मारने का नहीं है कि दलित को मारा जाए औरत को मारा जाए। और ढोल की बात है, आप लोग इतने लोग हैं, एक ढोल को एक विद्वान बजाता है तब उसमें से राग आती है, राग आने के बाद मनुष्य की शरीर हिल जाती है नाचने के लिए, तो विद्वान शब्द में ये जो विद्वान था विद्वता शब्द है सब विद्वान है और सब लोग आप लोग विद्वान है, उन्होंने ताड़न का शब्द कहा, बार बार यही बात पर टिप्पणी करूंगा कि ताड़न शब्द जो है एक देहात में वो एक उसको अगुवाई अच्छे मार्ग का प्रस्तुति देता है और किसी को मारने और गाली देने प्रताड़ना नहीं, प्रताड़ना वही नहीं है ताड़न है, प्रताड़ना अलग हो गया, अगर प्रताड़ना होता तो ये सताना है ऐसे है लेकिन वो ताड़न। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में, पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से, बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।